नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पंजाब सरकार ने राज्य में कर्फ्यू 2 सप्ताह और बढ़ा दिया है। राज्य में अब 17 मई तक कर्फ्यू लगा रहेगा। इससे पहले कर्फ्यू की अवधि 3 मई तक समाप्त हो रही थी, लेकिन बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे 2 सप्ताह तक बढ़ा दिया है। यानी पंजाब में अब लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने ये ऐलान राज्य की जनता से रूबरू होते हुए किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कर्फ्यू के दौरान दुकानदार सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही अपनी दुकानें खोल सकेंगे। लोगों को छूट दी जाएंगी, मगर सुबह 7 से 11 बजे तक ही दी जाएंगी। पंजाब की हमने तो बात कर ली, अब बात करते हैं दिल्ली और मुंबई की, क्योंकि इन शहरों में कोरोना का संक्रमण सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक 100 हॉटस्पॉट इलाके बन चुके हैं। दिल्ली के आज़ादपुर सब्जी मंडी में भी 14 व्यापारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि हर खबर आप तक पहुँचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।